नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं गुलाब के प्लांट के लिए बेहतर खाद लेके आई हूँ। दो तरह के बेहतर खाद है, जो आपको सही लगे आप उसको यूज़ करना प्लांट्स के लिए। दोनों बहुत ही बेहतर है और बहुत ही अच्छी गुड लुकिंग प्लांट हो जाते हैं, उससे बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है उस खाद से। तो ये जो आप देख रहे हो मेरे गमले में, मैं काफ़ी सारी कटिंग लेके लगाई हूँ, देखिए। और ये तो मैं नर्सरी से लेके आई हूँ इंग्लिश रोज़, और ये इंग्लिश रोज़ की कटिंग मैंने लगाया है, देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और इसमें सब में फ्लॉरिंग हो चुके हैं, तो मैंने छटाई किया है। फरवरी का मंथ चल रहा है, इस समय आप किसी भी प्लांट की छटाई कर सकते हो, बीज लगा सकते हो, कटिंग लगा सकते हो। बहुत ही बेहतर मौसम होता है सभी प्लांट्स के लिए। तो ये आप देख रहे हो, ये मैं इतने सारे एक प्लांट से इतने सारे प्लांट्स मैंने तैयार कर लिया है। और ये जो वाइट रोज़ है उसकी एक ये कटिंग मैंने लगाई थी, ये फ्लॉरिंग हो रहे हैं। बाकी आप जो देख रहे हो पिंक रोज़ है, और ये वाले रेड रोज़ है, और बाकी ये सब देख रहे हो आप पिंक रोज़ है, ये वाले भी रेड रोज़ है। इसकी कंडीशन बहुत बेकार हो गई थी, सूख रहा था, काफ़ी दिनों से पानी वगैरह नहीं मिल रहे थे। तो फिर मैंने इसको चेंज करके मिट्टी खाद डाला, तो अब इसमें नई पत्तियाँ आ रही है। तो पहले मैं इनके सब मदर प्लांट को दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, ये है पिंक रोज़ के मदर प्लांट, और इसकी भी मैं काफ़ी कटाई छटाई कर दी हूँ। अब इसमें काफ़ी देखिए कितनी घनादार पत्तियाँ आ गई है, पूरा घना हो गया है ये। तो इस समय आप अगर गुलाब की छटाई नहीं की हो तो प्लीज़ छटाई कर लो, और जो भी खाद वगैरह डालना है आप डाल सकते हो उसमें। और फिलहाल तो मैं दो तरह के जो खाद बता रही हूँ आप वो देख लेना। एक ये रेड रोज़ है जो मेन में लेके आई थी, और अब इसके 6 साल कम से कम हो गए हैं, और ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ में, और इसकी कटिंग मैंने बहुत जगह लगाया है। और ये एक रेड रोज़ है जो उससे ही मैं कटिंग यहाँ पे लेके लगाई थी। अभी मैंने कुछ एक कटिंग मैंने डिब्बे में भी रखे हैं। एक पिंक रोज़ यहाँ पे है, देखिए कटिंग से भी लगाया है। और ये रेड रोज़ है, इसके 4-5 साल इसके भी हो गए, ये भी काफ़ी पुराने हो चुके हैं। और इसी रेड रोज़ की कटिंग मैंने यहाँ पे लगाई है, देखिए काफ़ी अच्छा ग्रोथ है इसकी। तो दोस्तों, किसी भी प्लांट्स की कटिंग लगाना इतना मुश्किल नहीं होता है, हाँ बस थोड़ा मौसम अच्छे होने चाहिए और लगाने का तरीका आपको मतलब जानना चाहिए। तो बस सिंपल मिट्टी में भी अच्छा ग्रोथ करता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खाद वगैरह डालो तो भी ग्रोथ होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिंपल मिट्टी में भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ हो जाता है। और एक आइडिया बताती हूँ आपको कि मैं अक्सर यही यूज़ करती हूँ कि जब भी आप कोई भी कटिंग या बीज वगैरह लगाए, मैं बार बार वीडियो में बताती रहती हूँ कि पहले से मिट्टी में गमले में मिट्टी तैयार रखें, और मिट्टी गीली रखें, और दूसरे दिन नेक्स्ट डे आप उसको कटिंग या बीज कोई भी लगाए, तो जिससे वो आसानी से जड़ें पकड़ लेते हैं, न्यूट्रिशन बहुत जल्दी फास्ट मिल जाता है। नहीं तो आप कटिंग लगाते हो फिर मिट्टी पानी में कटिंग लगाने के बाद पानी डालते हो तो थोड़ा देर से अब चीज़ें ऑब्जर्व हो जाती है, बस इतना ही अंतर है। और सबसे बेस्ट तो दोस्तों ये है कि आप बारिश के मौसम में किसी भी प्रकार की कटिंग लगा दो निश्चिंत होकर, जब कम बारिश होती रहे उस समय, जैसे जुलाई से अगस्त के महीने में, तो बहुत ही अच्छी सभी लगभग कटिंग तैयार हो जाती है। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं बारिश के मौसम में लगाऊँ, नहीं तो फरवरी के महीने में। और ये मैं आपको खाद बता रही हूँ, एक तो ये बेस्ट खाद है कॉफ़ी या चाय पत्ती का, तो ये 2 रुपये का है ये पैकेट, और 2 रुपये का पैकेट में मैंने 1 गिलास बनाया है, लेकिन इसे 4-5 गिलास बना के मैं सभी प्लांट्स में डालूंगी। दूसरा दोस्तों मार्केट से आता है, ये मिक्स खाद होते हैं जो रोज़ प्लांट के लिए ही होते हैं। आप कोई भी जो नर्सरी के सारे प्रोडक्ट मिलते हैं वहाँ से आप शॉप से ले सकते हो। ये 35 से 40 रुपीज़ के समथिंग में आते हैं। ये रोज़ प्लांट के लिए ही मिक्स करके बनाया जाता है, इसमें NPK होते हैं, बोन मिल होते हैं, फिर से वर्मी कंपोस्ट, काउ डंग, मतलब सब कुछ मिक्सअप इसमें रहते हैं। तो ये अगर आपके पास, अगर ये भी नहीं कॉफ़ी का नहीं बना पाते हो चाय पत्ती के, तो ये आप लेके आ सकते हो, और 2-2 चम्मच हर प्लांट्स में आप डालोगे, एक गमले में 2 से 3 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं। और साथ में ये नीम की खली भी आप डाल देना दोस्तों, क्योंकि नीम की खली जो होती है वो फंगस वंगस जो छोटे मोटे कीड़े वगैरह होते हैं उसको दूर रखता है। तो ये दोस्तों आप ये ज़रूर अपनाएं, और ये आइडिया अगर आपको इस आइडिया से आप सक्सेस हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, या मेरा आइडिया कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। तो ये मैं आपको डाल के बताती हूँ, देखिए मैंने ये तैयार कर लिया है, ये देखिए एक बगनिया, ये मैं 4-5 गमलों में डाल दूँगी, और ये थोड़े से मैं ये कुछ प्लांट्स में मैं इसको डालूंगी ताकि मैं दोनों की ग्रोथ देखूंगी। दोनों की ग्रोथ तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये मैं काफ़ी टाइम बाद लाई हूँ, मोस्टली मैं यही यूज़ करती थी
ज़्यादातर बहुत ज़्यादा होता था तो काऊ डंग का इस्तेमाल भी करती थी। काऊ डंग के दो तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो, या तो उसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर काऊ डंग के जो केक आते हैं पीस में उसको पानी में 2 दिन डाल के फिर उसको छान के भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन काऊ डंग के पाउडर मिट्टी में भी मिक्स हो जाते हैं तो बहुत ही बेहतर खाद बन जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके से आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसको डाल रही हूँ। और थोड़े समय समय पे किसी भी प्लांट्स को, मतलब अच्छी ग्रोथ के लिए क्या होता है, ये तो टूट गया तो थोड़ा सॉरी फैल गया है, तो किसी भी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यही होता है कि समय समय पे थोड़ी कुड़ाई करते रहे ताकि ऑक्सीजन लेवल मतलब मिट्टियों में अच्छा बना रहे और जड़ों का विकास अच्छा हो। और फिर समय समय पर पानी डालते रहे और 20 दिन महीने भर में एक आध बार आप खाद डाल सकते, कोई भी प्रकार का खाद हो। ये देखिए, और ये जो आप डालेंगे दोस्तों, तो मैं इसका बताती हूँ, इसको ऐसे खुदाई करके थोड़ा सा यहाँ से मिट्टी हटा के देखिए। अब भुरभुरी मिट्टी इसलिए रखी जाती है दोस्तों बालू वगैरह मिक्स करके, क्योंकि जड़ों में जड़ों का फैलाव अच्छा होता है, जड़ें फैलने में आसानी होती है। तो बस इतना थोड़ा सा डाल के आप, अगर आप हाथ से नहीं डाल पाते तो 2-3 चम्मच के समथिंग में बस डाल दें, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच ही डाल दें तो ही काफ़ी होगा। उसके बाद इसमें नॉर्मल पानी आप डाल दें तो इससे भी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है और फ्लावरिंग अच्छे होते हैं, न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है। तो दो तरीके से आप डाल सकते हैं और ज़्यादा कुड़ाई मत कीजिएगा, हल्की हल्की कुड़ाई करना चाहिए। सभी में बालू इसीलिए मिक्स करते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जड़ों में ग्रोथ अच्छी होती है, जड़ों का फैलाव बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह आइडिया अपना के देखें दोस्तों, ज़रूर कारगर आइडिया, बहुत सक्सेसफुल होंगे आप, आपके प्लांट बहुत अच्छे गुड लुकिंग प्लांट हो जाएंगे। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्लांट की जानकारियों के साथ।